विष्णुवर्धाय नमः। विष्णुवर्धाय नमः। ॐ विष्णुवर्धाय नमः। स्वर दो दो सुनाई दे रहे हैं, किंतु पार्वती अकेली दिखाई दे रही है। ये कैसी माया है? तीसरा स्वर मेरा भ्रम भी हो सकता है। इस समय पार्वती अकेली है, शिव से दूर भी है। यही समय प्रतिशोध लेने का सही समय है। वो चोटी वाला साधु मुझे बहका रहा था। मैं अब अपने जीवन में कांटे बिखेरने वाली इस पार्वती को कदापि नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। पार्वती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आश्रम से चले जाने के लिए कहा था क्रोधासुर, तुम फिर अटपके। शुक्राचार्य, तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तुमने पार्वती का नाम लेकर मेरे क्रोध को जगाया, तो क्या मैं उससे प्रतिशोध न लेता? यानी कि तुम माता पार्वती से? हाँ, मैं पार्वती से प्रतिशोध देने लेखन पर्वत गया था, किंतु वह एक मायावी ज्योति ने मुझे उखाड़ कर यहाँ फेंक दिया। मैं पार्वती को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भूल जाकर मूर्ख, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अपमान के इस कड़वे घूंट को पीने से अच्छा है मैं पार्वती से प्रतिशोध देकर अपने जीवन का बलिदान कर दूं। नहीं क्रोधासुर, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है शुक्राचार्य? आज के बाद दैत्य जाति तेरे नाम पर थूकेगी। तू दैत्य गुरु नहीं, आजन्म दैत्य शत्रु कहलाएगा। रोदासुर, मैं कुछ भी कहलाऊं, परंतु मैं तुझे माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं जाने दूंगा। अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा जाता रहूंगा। पार्वती ने मेरा जीवन कलंकित किया है, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। हट मत कर बावले, मेरी बात मान। क्यों दैत्य शत्रु,
आज पार्वती की इतनी चिंता क्यों? क्रोधासुर, मुझे तेरी और अपनी चिंता है। यदि तू माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए गया तो उस पाप का भागीदार मैं भी बनूंगा, इसीलिए मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य, यदि तुम पार्वती को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। वचन? कैसा वचन? त्रिलोक विजयी, सर्वशक्तिशाली बनने के लिए वरदान पाने का मुझे कोई उपाय बताओ, अन्यथा मैं चला पार्वती से प्रतिशोध लेने। ठहरो, मैं उस भयानक पाप से बचने के लिए तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। परम शक्तिशाली त्रिलोक विजयी सिंधु दैत्य ने सूर्य देव की आराधना करके इच्छित वरदान पाया था। वत्स क्रोधासुर, तुम भी सूर्य देव की आराधना करके उनसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैं जानता था शुक्राचार्य, इस संसार में सीधी उंगली से घी कदापि नहीं निकलता, किंतु अब मुझे बताओ सूर्य आराधना के लिए मुझे क्या करना होगा? क्रोधासुर, किसी पर्वत पर बैठकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः के मंत्र का जाप करते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। माता पार्वती की तपस्या से तीनों लोक अस्त व्यस्त हो सकते हैं, इन्हें इस लीनता से तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, समझ में नहीं आता कि इनकी तपस्या का उद्देश्य क्या है। क्षमा करें देवराज, माता पार्वती की तपस्या का उद्देश्य जन कल्याण और लौकिक का ही संकल्प होगा। वरुण देव, ये आप कैसे कह सकते हैं? माता तो पुत्र के कल्याण की चिंता में ही लगी रहती है, परंतु मुझे वास्तविक चिंता तो इस दुष्ट असुर को देखकर हो रही है। ओम आदित्याय नमः। हाँ देवराज, चिंता का विषय तो यही है, कौन है ये भयानक असुर और किस उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना कर रहा है? पवन देव, हमसे प्रश्न करने की भूल करने के स्थान पर आपने अब तक इसका परिचय प्राप्त क्यों नहीं किया? आप तो सृष्टि के कण कण में प्राण वायु बनकर विचरते हैं, क्यों? देवराज, इस वाद विवाद को त्याग कर सर्वप्रथम सूर्य देव को इसे वरदान देने से रोकना होगा। अपनी आराधना करने वाले को सूर्य देव वरदान अवश्य देते हैं, सिंधु दैत्य को वरदान देते समय भी हमने उन्हें रोकने का सफल प्रयास किया था, परंतु अनजाने ही सूर्य देव से अमरता का वरदान पाने वाला सिंधु दैत्य तो श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया और सूर्यदेव का वरदान भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। रक्षा भले ही ना कर सका हो, किंतु हमें तो पतित कर दिया था ना स्वर्ग से सिंधु दैत्य ने, और उसने हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया था। हमें सूर्यदेव को रोकना ही होगा। नारायण नारायण, ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, ये तो आप भली भांति जानते हैं
कि आपके रोकने से भगवान सूर्य रुकने वाले नहीं। हम उन्हें रुकने के लिए विवश कर देंगे देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज जी, सूर्य देव को विवश करने का प्रयास आप इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं और हर बार का परिणाम आपको याद ही होगा, है ना? देव ऋषि, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख रहा हूँ कि ये असुर सूर्य देव से वरदान अवश्य पाएगा। अर्थात? अर्थात नारायण नारायण। अर्थात ये देवराज इंद्र कि ये असुर वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, फिर आपके मस्तक पर कलंक का टीका लगेगा। और ये भी हो सकता है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है देवराज इंद्र, कि श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इस असुर का वध भी ना हो। सावधान देवगणों, सावधान। नारायण नारायण। देवराज अब क्या होगा? देवर्षि नारद ने तो देवर्षि नारद की बात पर विश्वास करके हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। हमें किसी भी मूल्य पर सूर्य देव को वरदान देने से रोकना होगा। देवराज, यदि माता पार्वती की तीव्र तपस्या के प्रभाव से इस संसार में उथल पुथल हुई तो क्या होगा? इस प्रभाव को रोकने के लिए हमें आशुतोष भगवान शिव की शरण में कैलाश जाना होगा देवराज। हाँ, किंतु पहले सूर्य देव के पास जाए या भगवान भोलेनाथ के पास, यह निर्णय कैसे करें? गौरी पुत्र, नंदी महाराज, पहले भी कितनी बार हम गौरी पुत्र के ध्यान को भंग करने में सफल हो चुके हैं, परंतु इतनी गहरी ध्यान समाधि में मैंने पहली बार देख रहा हूँ। भृंगी भैया, तुम सच कहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ गौरी पुत्र नहीं है, उनका केवल शरीर है, आत्मा तो उनकी कहीं और है। कहाँ? जहाँ माता वहाँ पुत्र। हो सकता है गौरी पुत्र की आत्मा माता पार्वती की सेवा के लिए उनके समीप ही उपस्थित हो। गौरी पुत्र तो श्री माँ गणेश के अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इच्छा होने पर कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हमारा हृदय तो माता के दर्शनों के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। कुछ भी हो भैया, प्रिंगी, हमें तो अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। माता के यहाँ ना रहने पर गौरी पुत्र श्री गणेश की सेवा करना तो हमारा धर्म है। पिछले लंबे समय से उन्होंने भोजन भी नहीं किया, परंतु हम कुछ भी नहीं कर पाए। कैसी बातें करते हैं नंदी महाराज, आपने तो स्वयं ही कहा था ये केवल शरीर है, आत्मा तो माता की सेवा में चली गई है, फिर इन्हें भोजन की क्या आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता तो भगवान की मूर्ति को भी होती है। प्रश्न आवश्यकता का नहीं है भृंगी, प्रश्न है कर्तव्य का। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। जब माता लौट कर आएंगी तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? सच कहते हो नंदी महाराज, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। हम क्या उपाय करेंगे? हर उपाय के उपास से तो यही है। तुम तो जानते हो हमारे गौरी पुत्र से संसार की कोई भी बात छिपी नहीं है। ये अवश्य जानते होंगे कि समय माता पार्वती कहाँ है। यदि हम सच्चे मन से इनसे प्रार्थना करेंगे ये हमें अवश्य बता देंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके पावन दर्शन प्राप्त करने के लिए आपका ये सेवक लंबे समय से व्याकुल है। भोलेनाथ, कृपया आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करें और मुझे कृतार्थ करें। भोलेनाथ, आंखें खोले, अपनी ध्यान समाधि का त्याग करके अपने इस भक्त को कृतार्थ करें। भोलेनाथ, कृपया अपनी आंखें खोले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी के कैलाश आने का कारण हमें ज्ञात है, परंतु हम आपकी सहायता नहीं कर सकते।
देवाधिदेव महादेव, इस समय हम देवगण दुविधा के धर्म संकट से घिर चुके हैं। एक ओर माता पार्वती की तपस्या उग्रता की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और दूसरी ओर कैलाश की भूमि पर जन्मा क्रोधासुर सूर्यदेव की आराधना करके सर्वशक्तिमान और त्रिलोक विजयी बनने का वरदान पाना चाहता है। ये सारे कारण हमें ज्ञात है देवराज। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। न तो देवी पार्वती हमारी आराधना कर रही है और न ही क्रोधासुर। ऐसी स्थिति में हमसे हस्तक्षेप और सहायता की आशा करना व्यर्थ है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप त्रिदेव में प्रधान हैं महादेव। भोलेनाथ, आपके मार्गदर्शन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप केवल हमें इतना बता दें कि माता पार्वती की इस कठोर तपस्या का परिणाम क्या होगा। शब्दों के चक्रव्यूह में उलझाकर भी तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते नारद। शिव 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 नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मैं तो केवल प्रार्थना कर रहा हूँ नारायण नारायण। मन में मेरे केवल इस बात की जिज्ञासा है भोलेनाथ कि माता पार्वती की इस कठोर नारद, तुम तो देवर्षि हो, तुम भलीभांति जानते हो कि तपस्या का परिणाम आराधक की आराधना और आराधक की कृपा पर निर्भर होता है। देवी पार्वती ने कैलाश का त्याग अपनी इच्छा से किया है, यही कारण है कि हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी तपस्या के विषय में कोई बातचीत नहीं करेंगे। भोलेनाथ, भला माता पार्वती कैलाश से कब तक दूर रह सकती है? कृपया आप उन्हें यहाँ लाने का कोई उपाय करें। हमने जो कहा उससे अधिक न हमारा कुछ कहना उचित है और न ही आपका सुनना। आप सबका कल्याण हो। आप हे देवर्षि, अब हम क्या करें? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपने स्वयं देखा कि माता पार्वती परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही है। श्री महागणेश और उनके अवतार अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे। आप तो इस समय माता पार्वती के स्थान पर क्रोधासुर की चिंता करें, कहीं वो आपके विरुद्ध संकटकारी वरदान प्राप्त करने में सफल हो गया तो नारायण नारायण। नहीं, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। कल्याणकारी भगवान शिव के गणों, आपके मुख पर चिंता और निराशा शोभा नहीं देती। नंदी महाराज, रिंगी महाराज, इस समय जो कुछ भी घट रहा है इसी में संसार का कल्याण है। इसीलिए इस संकट का धैर्य पूर्वक सामना करो। आप दोनों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।